दोस्तों बॉलीवुड का चकाचौंध और ग्लैमर अच्छे अच्छे अभिनेताओं को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। पुरानी फिल्मों के हीरो दिलीप कुमार से लेकर आज के दबंग यानी सलमान खान तक कोई भी बड़ा स्टार बॉलीवुड की इस गंदगी से नहीं बच पाया है। सभी लोग हवस की आग में इस कदर झुलस चुके थे कि बॉलीवुड की हर एक सुंदर अभिनेत्री पर उनकी गंदी नजर होती थी। इनमें से कुछ अभिनेता तो शादीशुदा होते हुए भी इधर उधर मुंह मारते फिरते थे। अपने शरीर की भूख को शांत करने के लिए ये अभिनेता एक दूसरे की गर्लफ्रेंड या फिर ये कहें कि एक दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाने से नहीं हिचकिचाते हैं। अगर बात करें बॉलीवुड अभिनेत्रियों की तो ज्यादातर सुंदर अभिनेत्रियां भी इस गंदगी से नहीं बच पाई हैं। बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए ये अभिनेत्रियां किसी भी हद तक जाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। बॉलीवुड की ऐसी बहुत सारी नामचीन और सफल अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए बड़े बड़े अभिनेताओं या डायरेक्टर के साथ रातें गुजारी हैं और उनके बिस्तर गर्म किए हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ कलाकारों की करतूतों से पर्दा उठाते हैं जिन्होंने पूरे बॉलीवुड को दुनिया में शर्मसार करके रख दिया है। सलमान खान और ऐश्वर्या राय। सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते की शुरुआत साल 1997 में हुई थी। उस दौरान ऐश्वर्या राय की बॉलीवुड में नई नई एंट्री हुई थी। तभी सलमान की नजर ऐश्वर्या राय पर पड़ी और वह पहली ही नजर में ऐश्वर्या राय पर दिल हार बैठे थे। एक मैगजीन के मुताबिक मंसूर अली की फिल्म जोश को करने से सलमान खान ने सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उस फिल्म में उन्हें ऐश्वर्या राय के भाई का किरदार निभाना था। सूत्रों की माने तो एक दिन आधी रात को सलमान ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और उनका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। ऐश्वर्या को डर था कि कहीं सलमान उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की जिद न कर बैठे, इसलिए ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला। सलमान ने गुस्से में आकर 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी भी दी और सुबह करीब 3 बजे तक ऐश्वर्या राय के घर का दरवाजा पीटते रहे। सलमान हवस की आग में इस कदर झुलस चुके थे कि दरवाजा पीटते पीटते उनके हाथ से खून तक निकलने लगा था, पर वह लगातार ऐसा किए जा रहे थे। लेकिन तब ऐश्वर्या राय कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, ऐसे में वह अपने शरीर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। बाद में यह भी खबर आई कि ऐश्वर्या के पिता ने सलमान खान के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज कराया था। अक्षय कुमार और रवीना टंडन। रवीना के साथ अक्षय का लव अफेयर लंबे समय तक चर्चाओं में रहा। दोनों ने कई फिल्में साथ साथ की। खबरें तो यहां तक भी थी कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनते रहते हैं, जिसकी वजह से रवीना 2 बार गर्भवती भी रह चुकी थी। इन दोनों के बीच प्यार फिल्म मोहरा की शूटिंग के दौरान हुआ था। रवीना टंडन अपने दौर की बेहद ग्लैमरस एक्ट्रेस मानी जाती थी, लेकिन रवीना का दिल आया अक्षय कुमार पर। उस दौरान रवीना टंडन के अफेयर की खबरें इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को लगने लगा था कि अक्षय कुमार जल्द ही रवीना से शादी करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार का नाम तो अपने से बड़ी और खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा के साथ भी जुड़ा। कहा जाता है कि दोनों के बीच फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान नजदीकियां बढ़ी। यह अफेयर बॉलीवुड के सबसे चौंका देने वाले अफेयर्स में से एक माना जाता है। इसके बाद अक्षय का नाम ट्विंकल खन्ना से जुड़ा। कहा जाता है कि अक्षय ट्विंकल से शादी के मूड में नहीं थे, लेकिन ट्विंकल की माँ डिंपल कपाड़िया के दबाव के आगे अक्षय को झुकना पड़ा और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादीशुदा अक्षय कुमार के साथ प्रियंका का नाम तब जुड़ा जब वे अंदाज, मुझसे शादी करोगे, ऐतराज और वक्त जैसी फिल्मों में साथ साथ नजर आए। इस अफेयर पर दोनों इस बारे में हमेशा चुप रहे, लेकिन कहा जाता है कि अक्षय की पत्नी ट्विंकल ने उन्हें प्रियंका के साथ काम करने से रोक दिया था। बाद में अक्षय ने प्रियंका से दूरियां बना ली और उनके साथ कोई भी फिल्म साइन नहीं की। तो दोस्तों, बॉलीवुड की इस गंदगी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।